कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि भाजपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें देखना होगा कि कितने झारखंडी हैं और कितने बाहरी। वह कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में दलों के बीच जल्द ही सीट बंटवारा हो जाएगा। 1 से 2 दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। इसके बाद दूसरे फेज में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। गुलाम अहमद मीर रांची लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता मैदान में हैं, जिनको टिकट मिलना है वे जनता के बीच है। हम अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और वे इसी सरजमी में होंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो अपने अपने कैडर को मौका देगा। प्रभारी ने कहा है कि राज्यसभा में गठबंधन की कोशिश होगी कि हम एक ही उम्मीदवार दें। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए प्रभारी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला दिया है, भाजपा इसको छुपाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड का ब्यौरा मांगा तो जून तक समय ले लिया। डिजिटल का जमाना है, कोई भी लेन देन का तुरंत पता चलता है, लेकिन पर्दा डाल दिया गया। ये सशक्त लोग हैं, इनको कुछ नहीं होता। समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संगठनिक कार्यक्रमों की तैयारियों पर बात की और नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जुटने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हम बिल्कुल सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। पार्टी नेता राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आम लोगों के बीच मुद्दों को लेकर जाना है। भाजपा का झारखंड विरोधी रवैया बेनकाब करना है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर के हमारी कोशिश है कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा, एक तरफ भी उनके पास फिगर तो है। तो फिर ऐसे में कई बार दो दो कैंडिडेट उतारे जाते थे, तो वो ना हो, प्योरली मेरिट के बेसिस पर एक अपोजिशन को जाएगा, एक रूलिंग कॉम्बिनेशन को जाएगा। तो रूलिंग कॉम्बिनेशन का 1-2 दिन के बाद में फैसला आएगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा हमको परेशानी नहीं है। लीडर हमारे पास भी है, सारे लीडर उनके पास भी है, बट उस पर बात चल रही है एक ही उम्मीदवार देने के लिए। वो किसके किस्मत में होगा उसके नाम में निकल आएगा और कंफर्टेबली जीतेगा। 11 मई से मूल निवासी कितने हैं उनके, कुछ कैलकुलेशन किया? मूल निवासी झारखंडी कितने हैं उतने नाम मुझे बता देना। बाकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर सीटें भी किसको कितनी मिल रही वो भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में फेज 2 है उम्मीदवारों का, तो सीट क्लियर होने के बाद ही फाइनल व्यू लिया जाएगा। तो उसमें कोई हमें जल्दी नहीं है, 2-4 दिन लग जाए, मगर पहला पार्ट है सीट शेयर, डिवीजन ऑफ सीट, कौन सीट किसको जाए, वो 1-2 दिन में हो जाए। लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट देने का कभी खामियाजा होता है पार्टी? कैंडिडेट मैदान में है, ऐसा नहीं है कि हम पैराशूट से ला रहे हैं। पहले के भी ऐसा हुआ है जो शिकायतें आई, मत इसी सरजमीन से और अपने लोगों के बीच में काम करने वालों में से ही कैंडिडेट होगा, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। और जो वसतमंद लोग हैं वो ऑलरेडी काम पर लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के लिए, टाइम बाउंड किया था। मेरे ख्याल से हम में से किसी ने उनको ये सवाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिसको पूरे देश के 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया, शायद पहला ऐतिहासिक फैसला था कि जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एक कवर अप के तहत दिए हैं उनका खुलासा हो, उनकी डिटेल मार्केट में आए, और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि पर्दा उठना था, जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर पर्दा उठना था। इसलिए SBI के जरिए ही वकील के थ्रू ये कहलवा दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने पीरियड में देंगे। जून तक का टाइम लिया, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। आज कोई बैंक है ऐसा कि जिसके पास डिटेल नहीं, मेरे पास आया किसका तो गया किसका, ये तो एक क्लिक दूर था, मगर उसी प्रेशर के तहत, क्योंकि पर्दा उठना था, पर्दा डाल, अपने कामों को तो उस तरह से चलाएंगे। और दूसरे जो सशक्त लोग हैं
उनके ऊपर रोजमर्रा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करेंगे, वो अब देश की जनता समझ गई, वो अब वो पैंतरा चलने वाला नहीं है। तो अब सीधे चुनाव 4-5 दिन में अनाउंस होगा, 2 महीने में कंप्लीट होगा, आप देखेंगे देश की जनता इन्हीं चीजों को देखकर अपना बड़ा फैसला देगी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।